सत श्री अकाल जी, वेलकम टू दी पंजाबी वॉन्डरर्स यूट्यूब चैनल। और थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट अ बजट योर ट्रिप। सो इस साल जुलाई और अगस्त में आई स्पेंट 40 डेज कवरिंग अराउंड 7 कंट्रीज इन यूरोप एंड ऑल आई स्पेंट वॉज 850 यूरोज, जो कि इंडियन करेंसी में बन जाता है 67,000 के अराउंड। सो अगर आपको भी ऐसा ही ट्रिप करना है तो स्टे ट्यून्ड। हाँ जी यार, बिफोर वी स्टार्ट आई वॉन्ट टू मेक वन थिंग क्लियर दैट ये जो खर्चा बताया मैंने, ये मैंने वहाँ पे स्पेंड करा था। इसके ऊपर 38,000 की फ़्लाइट टिकट्स और 6,000 की वीज़ा फ़ी। सो टोटल 1,10,000-15,000 में आई डिड 40 डेज इन यूरोप, विच इज़ नॉट बैड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड टेल यू कि मैंने कौन कौन से कंट्रीज़ करे, मेरा आइटनरी क्या था। आई फ्लू इन टू प्राग, प्राग से फिर मैं गया वाल्चित्सा। वाल्चित्सा ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक के बॉर्डर पे है। एंड देन आई वेंट टू वियना, देन आई वेंट टू साल्ज़बर्ग, देन आई वेंट टू म्यूनिक, देन आई वेंट टू कार्लसरुए। कार्लसरुए में ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी का। आफ्टर दैट आई वेंट टू आम्स्टरडम, देन आई केम बैक टू लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग के बाद आई वेंट टू ब्रातिस्लावा विच इज स्लोवाकिया, एंड देन आफ्टर दैट आई वेंट टू पोलैंड। I hope now you are more interested in my video. Okay यार, तो सबसे पहले बात आती है वीज़ा की। यूरोप में जाने के लिए there is a visa called Schengen visa. इसके लिए मैंने दो videos already बना रखी हैं। I have told all the details in those videos. So if you haven't watched them, go and watch them. To summarize the visa process, आपको VFS में अप्लाई करना होता है, और VFS में उस कंट्री में अप्लाई करना होता है जिस कंट्री में आप एंटर कर रहे हैं Schengen एरिया, या फिर जिस कंट्री में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज स्पेंड कर रहे हैं। तो बाकी की सारी डिटेल्स यू कैन गो एंड वॉच दीज टू वीडियोस। और एक और चीज़ है कि इस बार प्राग में आई हैड टू पे फाइन व्हेन आई वाज कमिंग बैक बिकॉज आई ओवरस्टेड। सो डू वॉच दिस वीडियो एंड डू नॉट रिपीट दैट मिस्टेक। द नेक्स्ट थिंग विच कम्स टू आवर माइंड इज फ्लाइट्स। तो फ्लाइट्स जनरली यूरोप की फ़्लाइट्स दे कॉस्ट यू अराउंड 40,000, 45,000, इवन 50,000। सो जनरली क्या होता है कि जो राउंड ट्रिप्स होती हैं दे आर मच चीपर। तो जैसे कि इस बार आई हैड नो प्लान्स कि मुझे करना क्या है क्या नहीं करना, तो आई जस्ट बुक्ड अ राउंड ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू प्राग। इट कॉस्ट मी 38,000। इससे पहले व्हेन आई वेंट टू यूरोप इन 2017, मैंने दिल्ली से एम्स्टरडम की टिकट बुक करी थी और देन डुब्रोवनिक से वापस दिल्ली की बुक करी थी। डुब्रोवनिक इज़ द किंग्स लैंडिंग ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स इन क्रोएशिया। सो दैट कॉस्ट मी अराउंड 50,000। फिर इस साल मैं आइसलैंड भी करता, तो दैट वॉज ऑल्सो 40,000। सो मोर और लेस 40,000 के अराउंड आपको फ्लाइट्स मिल जाएंगी। जो भी 3,000-4,000 ऊपर नीचे होगा दैट यू कैन कंट्रोल बाई यूजिंग गूगल फ्लाइट्स। तो गूगल फ्लाइट्स में आप अपनी डेट्स डालिए, अपनी सिटी डालिए, एंड देन यू गेट एन ऑप्शन ऑफ डेट ग्रिड। डेट ग्रिड में जाके यू कैन चेक ऑन विच डेट्स यू आर गेटिंग चीपर फ्लाइट टिकट्स। तो वहाँ से डेट्स चेक करके एंड देन यू कैन गो ऑन ऑल दीज वेबसाइट्स एंड बुक योर फ्लाइट टिकट्स। सो द नेक्स्ट थिंग इज स्टे। सो जनरली आई स्टे इन हॉस्टल्स बिकॉज हॉस्टल्स आर रिलेटिवली चीपर देन होटल्स। तो अगर आपको प्राइवेट रूम नहीं चाहिए, अगर आप अकेले जा रहे हैं और या फिर आप एज अ कपल भी जा रहे हैं, इट्स स्टिल गुड, यू कैन बुक अ हॉस्टल। और हॉस्टल के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा अनदर थिंग विच आई डू इज़ कॉल्ड काउच सर्फिंग। सो काउच सर्फिंग इज़ लाइक स्टेइंग विद द लोकल्स एंड नॉट पेइंग एनीथिंग। सो आई वॉन्ट लाई, इस ट्रिप का जो कॉस्ट इतना कम पड़ा उसका मेजर चंक यही था कि I was couch surfing for around like 15 days, so I was not paying for the stay. So couch surfing क्या है, कैसे आपको host ढूँढने हैं, वो सब information I have made another video, you can see it here. और इस video में I have told A to Z of couch surfing. So if you want to do couch surfing, go watch this video as well. Now the next thing is transport. सो ट्रांसपोर्ट में क्या है कि यू लैंडेड इन सम सिटी एंड देन हाउ डू यू कम्यूट बिटवीन वन सिटी टू द अदर सिटी। यूरोप में यू हैव दीज बसेज कॉल्ड फ्लिक्स बस है, रीजियो जेट है। तो ये बसेज ट्रेन से चीपर हैं, फैसिलिटी वाइज बहुत अच्छी हैं, इनमें टॉयलेट्स होते हैं। तो यू कैन बुक इट, फ्लिक्स बस की अपनी ऐप है, रीजियो जेट की अपनी ऐप है, नहीं तो एक ओमियो करके ऐप आती है, उस पर
सारी बसेज मिल जाती हैं आपको, तो इनकी कॉस्ट इट विल डिपेंड कि किस टाइम ऑफ द डे जा रहे हैं। इसलिए रात की बसेज जो होती हैं वो चीपर होती हैं, तो इफ़ यू डोंट हैव एनी इशू ट्रैवलिंग ओवर नाइट, रात की बस करिए, बहुत चीप मिलती हैं, 9 यूरो, 10 यूरो। जस्ट अ फन फैक्ट, मैं वियना एयरपोर्ट से वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है, मैं वियना एयरपोर्ट से आई वेंट टू ब्रातिस्लावा, ठीक है, आई वेंट टू ब्रातिस्लावा और इजीजेट की जो बस की टिकट थी दैट वॉज जस्ट 6 यूरोज, ठीक है, तो मैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री चला गया 6 यूरोज में। सो बसेस आर वेरी चीप, बसेस कर सकते हैं आप, नहीं तो एक और ऐप है ब्लाबला कार, तो ब्लाबला कार पे यू कैन फाइंड अ राइड विच इज़ ऑल्सो चीप। ट्रेन्स आर यूजली एक्सपेंसिव, सो या यू जस्ट चेक, जैसे ओमियो है उस पर आपको ट्रेन बसेज फ्लाइट्स एवरीथिंग विल बी देयर, सो यू कैन जस्ट यू नो कंपेयर कि आपको कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज करना है। अभी बात आती है कि ट्रांसपोर्ट, जब आप सिटी के अंदर ही ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो यूरोप में मैक्सिमम सिटीज़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी गुड, और उसमें अच्छी बात यह है कि गूगल गूगल मैप्स पे इफ़ यू सर्च मुझे यहाँ से वहाँ जाना है तो इट हैज़ ऑल द टाइम टेबल्स, तो उस पर अगर लिखा है कि बस इतने बजे आएगी, ये नंबर बस आएगी, तो वो उतने बजे आएगी, ठीक है, तो बस ट्रेन एवरीथिंग गूगल पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है। यू कैन, यू जस्ट वांट इंटरनेट और आपको कहीं से कहीं भी जाना है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इतने टाइम पे ये बस जाएगी, इतने बजे ये ट्रेन जाएगी, तो आपको एक ही टिकट लेना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, वो बस में चलेगा, ट्रैम में चलेगा, मेट्रो में भी चलेगा, तो हर जगह पे चलेगा वो टिकट, और वो टिकट आपको सिंपल नॉर्मल शॉप्स पे या फिर मेट्रो स्टेशन पे या फिर बस स्टॉप पे या बस के अंदर भी एक आपको वेंडिंग मशीन मिल जाती है, वहाँ पे आप यू कैन बाय यूजिंग योर कार्ड और कैश। ओके, सो ये टिकट जो होता है आपको बस एक बार इस पर स्टैम्प करना होता है कि जब आप पहली बार किसी भी बस में या किसी में भी गए, तो एक्चुअली फंडा क्या होता है यहाँ पे कि देर आर पैकेजेस कि आपको 60 मिनट का टिकट, 2 आवर्स का टिकट, 1 डे का टिकट, वीकली टिकट, ऐसे टिकट्स होते हैं। तो जैसे आपने 1 घंटे का टिकट लिया है तो आप 1 घंटे यू कैन गो फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर, आप 10 राइड लो या 1 राइड लो, वो सब उसमें कॉस्ट में कवर हो जाएगा। लेकिन जब भी आप एंटर करते हो पहली ट्रेन या पहली बस या पहली मेट्रो, तो आपको स्टैम्प करना होता है कि इस टाइम पे मेरा ट्रिप शुरू हुआ है, तो उस टाइम से 1 घंटे बाद तक आपका टिकट वैलिड रहता है। हाँ, तो वैसे मेरी तो एक बार भी चेकिंग नहीं हुई, लेकिन आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप बिना टिकट के ट्रैवल करें, क्योंकि टिकट्स आर चीपर और फाइन बहुत ज़्यादा है। तो टिकट का रेट डिपेंड्स ऑन विच सिटी यू आर इन, जैसे प्राग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट टिकट फॉर एन आर कॉस्ट अराउंड 1 यूरो, लेकिन वियना जाएंगे तो वहाँ पे 3.5 यूरो का कॉस्ट करता है। तो टोटली डिपेंड्स आप किस शहर में हो, जैसे स्लोवाकिया इज चीपर, चेक इज चीपर, ऑस्ट्रिया इज एक्सपेंसिव, जर्मनी इज एक्सपेंसिव, एम्स्टरडम इज सुपर एक्सपेंसिव, लग्जमबर्ग इज एक्सपेंसिव, तो इट डिपेंड्स किस सिटी में क्या है। यू जस्ट गेट योर 1 आवर टिकट, 2 आवर टिकट और या फिर डेली टिकट, डिपेंडिंग ऑन आपको कितना ट्रैवल करना है। आपको अगर एक दिन में एक ही जगह पर जाना है तो 1 घंटे का टिकट ले लीजिए, ठीक है, वहाँ पर दिन स्पेंड करिए और वापस 1 घंटे का टिकट लेके वापस आ जाइए। तो इट डिपेंड्स कि आपको, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कहाँ कहाँ जाना है आपको, तो उसके अकॉर्डिंगली यू कैन गेट योर टिकट्स। द नेक्स्ट थिंग इज़ फॉरेक्स। अब आप किसी और कंट्री में जाते हैं तो जनरली आई कैरी फॉरेन करेंसी कार्ड, लेकिन यूरोप में क्या है कि अभी डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट करेंसी है, जैसे कि प्राग में जाएंगे तो वहाँ पर चेक करोना है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि यू कैरी यूरोस विद यू, यूरोस भी एक्सेप्टेबल होते हैं हर जगह पे, आप थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज कर लेंगे लोग, लेकिन यूरोस एक्सेप्टेबल होते हैं। हार्ड कैश की ज़रूरत नहीं है, यू कैन यूज़ योर कार्ड एवरीवेयर, लेकिन अगर आप फॉरेन करेंसी कार्ड यूज़ करें जिसमें कि यूरो है, जैसे आपने प्राग में कुछ भी खरीदा तो वहाँ पे लोकल करेंसी है चेक करोना, वहाँ पे यूरो नहीं है, तो यू विल हैव टू पे एन एक्स्ट्रा फी उसके ऊपर। सो मैंने क्या किया था, आई टुक अ कार्ड फ्रॉम थॉमस कुक, इसका नाम था 1 करेंसी कार्ड, इट हैज़ US डॉलर्स, तो USD होते हैं उसमें, और आई यूज दैट ऑल ओवर द यूरोप, ठीक है, आई हैड नो इशूज़। सो ATM तो आप को पता ही है कि देर आर लॉट ऑफ स्कैम्स, ATM कम ही यूज़ करिए, कैश यहाँ से ले जाइए, ज़्यादातर ऑलमोस्ट हर जगह पे कार्ड चलेगा, ठीक है, तो यू डोंट हैव टू हैव एक्स्ट्रा कैश। अब आती है बात सिम कार्ड की, सिम कार्ड मैंने पहले नहीं लिया था बिकॉज वाईफाई हर जगह पे अवेलेबल होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मैकडी पे, होटल्स में, हॉस्टल्स में, तो मैंने नहीं लिया था, आई थॉट मैं कर लूँगा ऐसे ही, लेकिन आफ्टर अ वीक आई फाउंड आउट कि नहीं यार प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज जैसे मुझे समझ लीजिए, मुझे मैं वियना में हूँ और मुझे एक पार्ट से दूसरे पार्ट जाना है, कोई मुझे ढूंढनी है जगह,
तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इंटरनेट. तो फिर मैंने वियना में आई बॉट अ सिम कार्ड ऑफ द कंपनी कॉल्ड 3 और इट कॉस्टेड मी 24 यूरोज. इट हैड इनफ डेटा, इनफ कॉलिंग. तो आई वॉज सॉर्टेड फॉर 40 डेज इन 24 यूरोज. ठीक है, तो इतना महंगा नहीं है, ले सकते हैं. सिम कार्ड के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ आती है फूड. हम फूड पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं. फूड जनरली क्या है, वो रेस्टोरेंट में खाना खाना है तो अ मील वुड कॉस्ट लाइक 12 से 15 यूरो तक, डिपेंडिंग ऑन द सिटी अगेन एंड डिपेंडिंग ऑन द प्लेस. सिटी सेंटर में खाएंगे तो महंगा पड़ेगा सब कुछ, ठीक है. थोड़ा सिटी के बाहर खाएंगे, सिटी सेंटर के बाहर खाएंगे तो इट विल बी नॉट दैट एक्सपेंसिव. मैकडी, सबवे और ये सब में खाएंगे तो 5-6 यूरो में यू कैन गेट अ गुड मतलब बर्गर और सब. इससे और अच्छा एक ऑप्शन है, यू कैन गो टू सुपरमार्केट्स. सुपरमार्केट से यू कैन बाय लाइक एग्स एंड मिल्क एंड सीरियल्स और फ्रोजन फूड एंड ऑल दैट स्टफ एंड यू कैन कुक इट. ठीक है, हॉस्टल्स में किचन होती है. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई यूज्ड टू हैव माय ब्रेकफास्ट फ्रॉम द सुपरमार्केट. आई यूज्ड टू हैव लाइक मूसली और दूध वगैरह एंड एक मील आई यूज्ड टू हैव आउटसाइड इन अ रेस्टोरेंट और मैकडी और समथिंग. सो इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, आप बजट कितना है और आप कितना एडजस्ट कर सकते हैं. एंड देन कमिंग टू दी पार्टीज. सो आप प्राग जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप पार्टी करेंगे, बियर पियेंगे. प्राग में तो बियर बहुत ही चीप है. हाँ, उसके लिए आई मेड अ सेपरेट वीडियो कि प्राग में कहाँ कहाँ पे यू कैन गेट चीप एंड गुड बियर. तो गो वॉच दिस वीडियो. इसके अलावा आपको कहीं भी पार्टीज करनी है तो देर इज थिंग कॉल्ड पब क्रॉल्स. सो इट इज़ अराउंड 20 यूरो के हिसाब से आपको एक बार वन टाइम चार्ज लेते हैं एंड देन दे टेक यू अराउंड टू लाइक 6 डिफरेंट पब्स. ठीक है, एंड में एक डिस्क मिले जाएंगे और वहाँ पे यू कैन पार्टी और हर पब में एक ड्रिंक फ्री होता है एंड देन यू हैव टू बाय. बाकी आप एम्स्टरडम जाओगे, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट जाओगे तो वहाँ पे ब्राउनीज थोड़ी कम खाना बिकॉज उसमें इट्स नॉट रेगुलेटेड कि कितना अमाउंट ऑफ स्टफ है उसमें. बाकी यार जनरली हॉस्टल्स में क्या होता है कि हॉस्टल्स में खुद की पार्टीज चली होती हैं उनकी बिकॉज पूरा का पूरा यंग क्राउड होता है वहाँ पे. तो जनरली वीकेंड्स पे हॉस्टल्स में ही पार्टीज चली होती हैं. यू कैन बाय द बियर फ्रॉम सुपरमार्केट या फिर हॉस्टल से ही ले लीजिए. इट्स ऑल वेरी इकोनॉमिकल. सो या दैट वाज अबाउट द पार्टीज. सो आउट ऑफ दिस 40 डेज 3 डेज वर स्पॉन्सर्ड बाय लग्जमबर्ग टूरिज्म. सो उसको आप निकाल दीजिए तो 37 डेज मैंने काफ़ी यू नो बजट में निकाल लिए अपने. इससे पहले भी मैं यूरोप गया था तो आई हैड नो स्पॉन्सरशिप्स. मैं आई स्पेंड 3 वीक्स एंड आई कवर्ड 6 कंट्रीज. उस टाइम पे मैंने खर्चे थे 1.25 लाख रुपए. फिर मैं श्रीलंका गया था तो मैंने 22,000 में 3 वीक्स वहाँ पे स्पेंड करे थे. उसका वीडियो ये है, यहाँ देख सकते हैं आप. फिर मैं आइसलैंड गया था तो आइसलैंड मैंने इंक्लूडिंग फ्लाइट्स आई डिड फॉर 80,000. उसका वीडियो भी है. एंड ये जो आप देख रहे हैं कि चल रही पीछे वीडियोज, ये ग्रीनलैंड की हैं. ग्रीनलैंड में आई स्पेंट 1 मंथ. इट वाज ऑल स्पॉन्सर्ड सो आई कांट गिव यू द बजट थिंग. बट या इफ यू वांट टू गो यू कैन वॉच माय ग्रीनलैंड सीरीज. इसके अलावा आई स्पेंट 1 मंथ इन रशिया, 1 मंथ इन कजाकिस्तान एज वेल. सो यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोज. रिगार्डिंग यूरोप आई हैव ऑलरेडी मेड लाइक 13-14 वीडियोज फ्रॉम दिस ट्रिप. एंड इसके बाद हम एक और वीडियो करने वाले हैं जिसमें कि आई टेल यू कि व्हाई इज़ इट कॉल्ड द शेंगेन वीज़ा. उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं शिंखुला वाली व्लॉग सीरीज़ फ्रॉम स्पीति एंड जांस्कर. सो स्टे ट्यून्ड एंड देयर इज अ गुड न्यूज़ दैट वी हैव क्रॉस्ड 10K ऑन इंस्टाग्राम. सो या इफ यू हैव नॉट फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम गो फॉलो मी देयर बिकॉज वहाँ पे रियल टाइम अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे. मैं कहाँ पे हूँ, किस देश में हूँ, किस जगह पे हूँ, क्या कर रहा हूँ. सो या दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक डेट. इफ यू लाइक डेट डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड विद एनीबडी हु वॉन्ट्स टू गो टू यूरोप बट इज़ नॉट गोइंग. वो सोचता है कि बहुत पैसे लगते हैं. जा सकते हो यार 1 लाख रुपये में. यू कैन ऑल्सो डू अ गुड डिसेंट योर ट्रिप. सो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो. स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन. And I will see you in the next video. Goodbye.